हेलो दोस्तों, उस दिन जब मैंने अपने भाई को उस गोरी के साथ देखा तो मेरे अंदर भी कुछ जाग उठा। मेरे जज्बात बेकाबू हो गए और मैं भी वही चाहने लगी जो भाई उस गोरी के साथ कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि भाई का दोस्त अभिषेक भी मेरे साथ वैसा ही करेगा, लेकिन वह तो जैसे पत्थर का बना हुआ था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मुझे ही पहले करनी होगी। रात को जब वह घर आया तो सीधे और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। यह पहली बार था जब मैंने किसी मर्द को इस तरह अपनी बाहों में भरा था। उसने एक बार मुझे रोकने की कोशिश की और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उनके होठों पर उंगली रख दी, अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसने भी अपने बाजुओं को मेरे इर्द गिर्द कस दिया। मैं उसके ऐसा करने से जैसे सातवें आसमान पर उड़ने लगी। उस पल मैं एक नए एहसास का लुत्फ़ उठा रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द इस एहसास की चरम सीमा तक पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद वह उठा और मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। मैं कुछ पल तक उसे गौर से देखती रही तो वह मुस्कुराते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने सिले का सिर हिलाकर इनकार किया और एक बार फिर उसके साथ लिपट गई। वह मेरी बेचैनी समझ गया था। उसने धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतार दिए और फिर कुछ लम्हों बाद, मेरा नाम दिव्या है और मैं नागपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल पढ़ाई के सिलसिले में पटना आई हूँ। यहाँ मैं अपने भाई रोहित और उसके दोस्त अभिषेक के साथ एक 3 कमरे के फ्लैट में रहती हूँ। मेरे भाई को यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए, जबकि मैं 1 साल पहले ही आई हूँ। 20 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ जिसकी नीली आंखें और लंबे बाल हैं और मेरा कद 5 फुट 5 इंच है। पटना के एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कई लड़के मुझ पर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान। मेरा एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया जहाँ मेरा भाई पहले से ही मौजूद था। मेरी घर वालों ने दिल्ली भेजने की इजाज़त इस शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगी। हालांकि मैं चाहती थी कि अपने भाई से अलग रहकर खुलकर अपनी जिंदगी। दिल्ली आने के बाद जब मैं अपने भाई के फ्लैट में रहने लगी तो उसके दोस्त अभिषेक ने मेरा ध्यान खींच लिया। अभिषेक 5 फुट 10 इंच लंबा, गोरा और बेहद खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता था। दूसरे लड़कों की तरह उसने कभी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की। वह मुझसे सिर्फ ज़रूरत की बातें करता था और वह भी बहुत कम। जब भी घर में सिर्फ हम दोनों होते वह बहाना बनाकर बाहर चला जाता और तभी वापस आता जब रोहित घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे नज़रअंदाज कर देता। जितना वह मुझसे दूर रहता उतनी ही मेरी ख्वाहिश उसे पाने की बढ़ती जाती। मैं उसे देखते ही खुद पर काबू नहीं कर पाती, लेकिन मुझे इस बात का डर भी था कि अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वह सब कुछ मेरे भाई को ना बता दें। अभिषेक का स्वभाव बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। वह क्लब या पार्टीज में नहीं जाता था, जबकि मेरा भाई अक्सर वीकेंड्स में क्लब पर जाता था। और अभिषेक इन सब चीज़ों से दूर रहता था और यही बात मुझे उसकी ओर आकर्षित करती थी। एक दिन जब अभिषेक की तबीयत खराब हो गई और वह पूरे दिन घर पर ही रहा था तो मैंने जल्दी कॉलेज से लौटकर उसके लिए चाय बनाई। जब मैंने उसे चाय का कप दिया तो उसने बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पी ली। मैं भी उसके पास बैठ गई और उससे बातें करने की कोशिश की। वह कभी-कभी मेरी बात का जवाब देता और कभी खामोश रहता। उसे मेरी बातों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी उसकी यह बेरुखी मेरे दिल में
उसे और खास बना रही थी। मैं भी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई और दिल ही दिल में सोचा कि देखती हूँ वह मुझे कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे पूछ लिया कि वह मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है। वह कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं तो ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोचती रहती हूँ, और यह मुझे बहन मानने के चक्कर में है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन भी दोस्त हो सकती है। इस पर वह खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूँगी। तो वह कहने लगा, दिव्या यह बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। मैं इतना नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई दरार आए। मैंने उसे कहा कि वह भाई की फिक्र ना करें और यह बात मुझ पर छोड़ दे। उस दिन मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली। मुझे लगा कि उसके दिल में भी जगह है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूं। अब मुझे उसके दिल में लगी दहशत को दूर करना था। इस तरह वक्त बीतता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे अभिषेक के साथ कोई सफलता नहीं मिली। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक नई जॉब मिल गई जिसमें पहली जॉब से ज़्यादा तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की वह यह जॉब ना करे क्योंकि रात के वक्त घर में अकेले कैसे रहूंगी। भाई ने अभिषेक तो है घर में, उस वक्त अभिषेक भी हमारे पास मौजूद था। मैंने भाई से कहा, अभिषेक तो ऐसा ही है कि घर में कोई भी नहीं है, आप जैसे होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता, आपके साथ मैं बातें कर लेती हूँ, लेकिन अभिषेक तो मुझसे बात करने में डरता है। मेरी बात सुनकर रोहित भाई हंसने लगे और अभिषेक से मुखातिब होकर कहा, क्यों भाई अभिषेक, क्या बात है, दिव्या तुम्हारी शिकायत कर रही है। अभिषेक ने एक बार रोहित भाई की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और फिर अपने लैपटॉप पर नज़रें झुका ली। मैंने कहा, यह तो मुझसे ऐसे शर्माता है जैसे मैं इसको खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए थे और अभिषेक ने मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की, और अब आपने कहा था कि मुझसे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने कहा था, भाई जब आप घर पर नहीं होते हैं और अभिषेक घर आता है तो आपको ना पाकर वह फौरन बाहर चला जाता है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम दिव्या को अकेले होने का एहसास नहीं होने दोगे। रोहित भाई की बात सुनकर अभिषेक बोला, रोहित असल में यह बात है, उसने अपनी बात शुरू की। रोहित भाई ने बीच में टोकते हुए कहा, अब यह टॉपिक बंद करो और दिव्या तुम जाओ और चाय बना लाओ। मैं उठकर किचन में गई। जब वापस आई तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दोनों टहके लगा के हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और उनके हंसते हुए देखकर पूछ लिया, कौन सी बात पर इतनी हंसी आ रही है। रोहित भाई बोले, अभिषेक के ऑफिस में एक गोरी नाम के लड़की इसे लिफ्ट करवा रही है, लेकिन यह मान नहीं रहा। मैंने इसे कहा कि अगर खुद नहीं करनी तो मेरी करा दो, फिर भी नहीं माना। रोहित भाई की बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, अभिषेक के लिए तो नहीं लेकिन आपके लिए ठीक है, आप शादी कर लें। मेरी बात सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और साथ में हम चाय पीने लगे। इसी दौरान मैंने गौर किया कि अभिषेक बात करते करते चुपके से मेरी तरफ देख रहा है, और जब मेरी नज़र उससे मिली तो उसने तुरंत निगाहें दूसरी तरफ कर ली। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अभिषेक ने मेरी तरफ ध्यान दिया। पहले तो वह मुझसे बात भी नहीं करता था। रोहित भाई ने दानिश से कहा,
कल से जब तुम अपनी नौकरी पर जाओ तो दिव्या को कॉलेज उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना, और वापसी में खुद आ जाया करेगी। रात के वक्त जब रोहित भाई ड्यूटी पर जाते थे तो हमेशा कहते थे, इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और दिव्या, तुम भी अभी से को ज़्यादा तंग मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद जब अभिषेक जॉब पर जाने लगा तो मैंने भी फटाफट उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। वह गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझ पर डालते हुए गाड़ी चलाने लगा। रास्ते भर वह खामोश रहा। मैंने बात शुरू की और कहा, अभिषेक, जितना तुम मुझसे दूर भागोगे मैं उतना तुम्हारे करीब आऊँगी, तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूँगी। अभिषेक मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर में जब मैं घर वापस आई तो रोहित भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए और फिर टीवी देखने लगी। शाम को अभिषेक वापस आया तो मैंने उसे चाय बना कर दी। उसी वक्त रोहित भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात के खाने में क्या प्लान है? तो रोहित भाई बोले, मैं जॉब पर जा रहा हूँ, बेहतर है जब तक मेरी रात की ड्यूटी है तुम लोग बाहर से ही खाना खा लिया करो। रोहित भाई के जाने के बाद मैं टीवी देखने लगी, जबकि अभिषेक अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। रात के करीब 11 बजे मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या आपने भूख हड़ताल कर ली है? अगर ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको नहीं खाना तो मुझे भूखा मत रखो। मेरी बात सुनकर अभिषेक मुस्कुराया, अपना लैपटॉप साइड पर रख दिया और उठकर बोला, ठीक है, तुम आधे घंटे इंतज़ार करो, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगी, हम बाहर ही खाना खाएंगे। मेरी बात सुनकर वह मुझे थोड़ी देर तक देखने लगा और फिर बोला, ठीक है, चलो। मैंने कहा, रुको, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो वह बोला, क्या चेंज करना है? वैसे ठीक है। उसकी बात सुनकर मैं उसके करीब आकर बोली, अगर आपको ठीक लगती हूँ तो ऐसे ही चलती हूँ, वरना कपड़े बदल लेती हूँ। उसने मेरी बात सुनी कि दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। अभिषेक ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी, बाहर निकल कर अंदर गया और कुछ समय बाद बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर लौट आया। मैंने उसे कहा, खाना लेकर घर नहीं चलते, बल्कि किसी पास के पार्क में चलते हैं और वहीं बैठकर खाते हैं। अभिषेक ने मेरी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाते हुए थोड़ी देर बाद उसके पार्क में सामने गाड़ी खड़ी कर दी। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए और बर्गर खाया। इसी दौरान भी उसने कोई बात नहीं की। कुछ समय बाद हम वापस घर आए। अगले दिन शाम को जब भाई अपनी जॉब पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप काम पर ना जाएं। उन्होंने पूछा, क्यों, खैरियत तो है? मैंने कहा, नहीं, वैसे ही आज मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है। जब से दिल्ली आई हूँ आप कभी मुझे घुमाने नहीं ले गए। भाई ने कहा, दिव्या, मैं तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम अभिषेक के साथ चली जाओ। फिर दोस्तों वो सब दिल्ली में घूमने लगे और दिल्ली का सारा नज़ारा देख लिया। फिर शाम को घूमकर वो घर आए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।